नमस्कार फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये मेरा बेटा 2 साल का है और इसे हम घर पे प्यार से यूवी बुलाते हैं। तो ये देखिए यूवी क्या कर रहा है, इतने मज़े ले रहा है। सिलबट्टे में वो एलोवेरा के ढेर सारे लिप्स को तोड़ करके ले आया है और उसे पीसने बैठा है और एलोवेरा के लिप्स को तोड़ करके चटनी बना रहा है। एलोवेरा चटनी कौन खाएगा? यूवी, यूवी कौन खाएगा, किसको खिलाना है? हमको खिलाएंगे, इनको देखिए। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ पीसना हो, जैसे कि अगर मान लीजिए सूखा जीरा ही हो, तो उसके लिए सिलबट्टा बहुत आसान हो जाता है और उसमें पीस करके उठा लेते हैं सामान। तो देखते देखते यूवी सीख गया और बहुत उसे मज़ा आ रहा है। ये देखिए इंजॉय कर रहा है। मैं यहीं पर बैठी हूँ ताकि उसके पैर में या कहीं पर लगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और बहुत ज़्यादा ही हैवी है ये पत्थर। तो मैं उसके पास ही बैठी हूँ, लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह, अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो इसने इतने सारे एलोवेरा ले लिए, तो अब हमने सोचा कि अब हम इसका क्या करें। तो फिर मैं अक्सर एलोवेरा के जेल अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ और हेयर इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, देखा आपने कि एलोवेरा से बाल कितने अच्छे हो सकते हैं। एलोवेरा बहुत सारा पीस चुका था यूवी, तो मेरी मम्मी ने जेल अच्छी तरह से इसे मसल करके निकाल लिया और इसे छन्नी में छान लिया है। और फिंगर के थ्रू आप इसे अपने हेयर के हर एक पार्ट में अच्छी तरह से लगाइए, खास करके जड़ पे, स्कैल्प पे अच्छी तरह से अप्लाई करिए एलोवेरा जेल को। फ्रेंड्स, ये देखिए बाल मेरे कितने अच्छे हो गए, हेयर कितने अच्छे हो गए, और मैंने बिल्कुल भी कंडीशनर यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। एलोवेरा जब आप यूज़ करोगे बालों में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कंडीशनर से भी अच्छा वर्क करता है और विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि कोई भी आपके पैसे नहीं लगने वाले, और कंडीशनर से भी अच्छा काम देखिए ये करता है एलोवेरा। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाल बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सिल्की लग रहे हैं, जबकि अभी मैंने कंघी नहीं किया है। अभी जब मैं कॉम कर लूँगी उसके बाद देखते हैं। एलोवेरा जेल को हमें अपने हेयर पे लगाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए अपने बालों पे लगे रहने देना है। तब तक आप जो भी आपको काम करना है, नाश्ता वगैरह आप कर सकते हो, और 20 मिनट के बाद अपने बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। आप चाहो तो आप शैम्पू का ही यूज़ करिए, और शैम्पू हमेशा थोड़ा सा पानी मिला करके मिक्स करके ही अपने बाल पर लगाइए। डायरेक्ट शैम्पू कभी भी अपने बाल पर यूज़ ना करें, उससे बाल खराब हो जाते हैं। तो हमेशा अपने बाल पे थोड़ा सा शैम्पू को पानी मिक्स करके ही लगाएं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए, और एलोवेरा का भरपूर फायदा उठाइए। एलोवेरा हमें इजीली अवेलेबल है, अगर आपके घर पे एलोवेरा नहीं है तो आप इसके पेड़ को घर पे लगा लीजिए और इसे यूज करिए हेयर पे और अपने स्किन पे। ये हेयर और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही चमत्कारी असर आपको देखने को मिलता है, जो कि हमें इंस्टेंट किसी भी कंडीशनर से नहीं मिल सकता। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी फिंगर्स ऐसे बालों में बिल्कुल स्लिप कर रही है। तो आप जरूर से एलोवेरा यूज करिए, लगा करके देखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बाल मेरे बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और अभी भी मैंने कॉम नहीं किया है, लेकिन फिर भी बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने थोड़े बहुत ऐसे फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे अपने यूट्यूब चैनल के लिए। एनीवेज, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइए, एक लाइक जरूर से करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें।